टीवी 9 भारत वर्ष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर इस वक्त, अल्टीमेटम खत्म हो गया है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 का पूरी तरह से सिग्नल क्लियर है? क्योंकि हानिया की मौत का बदला लेने की तैयारी, जिस धमकी को कहा जा रहा था उसे पूरा हुए 72 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। तो यानी क्या अब उस 72 घंटे के खत्म होने के बाद वो ट्रिगर पॉइंट आ गया है जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा? इसी से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने बरसाई है मिसाइलें। 2 MI-8 हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ हमला किया है रूस के वेपन डिपो पर। अनगाइडेड मिसाइल से यह अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वेपन डिपो पर अनगाइडेड मिसाइल अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और कैसे देखिए किस तरह से गड़गड़ाती हुई आवाज इस दरमियान आपको सुनाई देगी। खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने बरसाई हैं मिसाइलें। 2 MI-8 हेलीकॉप्टर्स ने ये आत्मघाती लगातार जो हमला है वो किया है, और इसके साथ रूस के वेपन डिपो को अनगाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। दूसरी आज की बड़ी खबर है यूक्रेन का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यूक्रेनी फोर्स ने दागी ATA-CMS मिसाइल, डोनेस्क में रूसी बेस को तबाह कर दिया गया है। किस तरह से इन आवाजों के पीछे छिपा हुआ है वो संदेश, जिसके जरिए वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन का बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने दागी है ATA-CMS मिसाइल, और डोनेस्क में रूसी बेस को तबाह करने का दावा इसके साथ किया गया है। मिलिट्री बेस पर भी बड़ा हमला हुआ है, उसकी तस्वीर भी आई, अब आपको दिखाते हैं। रोस्तोव में रूसी मिलिट्री बेस में धमाका हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में बेस का फ्यूल टैंक निशाना बनाया गया है। ये देखिए, बहुत रात की तस्वीरें नहीं है इसलिए विजुअल्स बहुत क्लियर आपको दिख रहे हैं। रोस्तोव में बेस के नजदीक इमरजेंसी लागू की गई है। ड्रोन अटैक में जानकारी मिल रही है कि जो बेस है उसका फ्यूल टैंक निशाना बनाया गया है, जिसे इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां धू-धू कर आसमान में धुएं का गुबार और नीचे आग के शोले आपको नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको हम तीनों विजुअल्स ब्रेकिंग्स के साथ दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझिए कि 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने का जिक्र हम बार बार क्यों कर रहे हैं, आगे महायुद्ध कैसे हो सकता है। खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स का हमला, जिसकी बहुत ही खतरनाक तस्वीरें, बहुत ही क्लोज तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सेना की तरफ से दागी गई है ATA-CMS मिसाइल, और तीसरी तस्वीर रोस्तोव में रूसी मिलिट्री बेस में धमाके से जुड़ी हुई है। जुड़ा हुआ है, हम उनसे परिचय आपका करवा देते हैं और समझते हैं कि महायुद्ध में अब कौन सा पॉइंट है जो अब और विध्वंस लाने वाला है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ एयर कमोडोर AS बेल साहब भी मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही हमारे साथ जानकारी मिल रही है मेजर जनरल GG द्विवेदी, विंडो में भी हमें दिख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी सर्स का बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में। सबसे पहला अमिताभ जी सवाल मेरा आपसे,
72 घंटे बीत जाने के बाद भी हानिया की मौत का बदला लिए जाने की अभी कोई तस्वीरें नहीं है, लेकिन विध्वंस की तस्वीरें जरूर दिख रही है। ऐसे में बताइए, क्या ये तस्वीरें विध्वंस के बहुत एज पॉइंट पर खड़ी होती नजर आती हैं? देखिए, पूरा वेस्ट एशिया इस समय एज पे है। 72 घंटे हो गए, फ्यूनरल उनका हो गया, और अभी तक ईरान इस चीज़ से उबर नहीं पाया है कि उसके घर में ही आके, उसके घर में ही घुस के कोई अटैक करके मार के चला जाए या जो भी है। लेकिन इस समय जो स्थिति है उसको देख के यही लग रहा है कि पूरे वेस्ट एशिया में, और आपने अब दिखाया है यूक्रेन रूस के फ्रंट पर भी, दोनों तरफ लड़ाई तेज हो गई है। ईरान इस समय डायरेक्टली अटैक करने के उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं और कई सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हैं। लेकिन उसके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, हमास, हिजबुल्ला, हूती, वो अब एक्टिवेट होंगे। उसका नेचर क्या होगा उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि ईरान इस हत्या का और या इस अटैक का जो उसके भूमि पर हुआ है उसका वो बदला जरूर लेगा, और ज़्यादातर चांसेस है कि वो सुइसाइड मिशन्स हो या ऐसे कोई भी चीज़ हो जिससे इसराइल को क्षति पहुंचे, अमेरिकन इंटरेस्ट को क्षति पहुंचे इस रीजन में, क्योंकि ईरान पहले भी करता आया है। इराक में भी हमने देखा है कि पहले भी उसने अटैक किया है। इसके पहले जब अमेरिका ने और इसराइल ने मिल के सीरिया में इनके IRGC के कमांडर को मारा था, उस समय भी ईरान ने अटैक किया था और डायरेक्ट अटैक किया था मिसाइलों द्वारा, जितने भी उनके वेपन्स हैं उनके द्वारा। लेकिन इस बार की जो संभावना है वो बहुत प्रबल इसलिए भी हो जाती है कि ये पूरी तरह से ईरान के संप्रभुता पर अटैक है, उनकी सोवरेनिटी पर अटैक है। और जिस तरह से आयतुल्ला खुमैनी ने उस फ्यूनरल को लीड किया इस्माइल हानिया का, उसको देख के लग रहा है कि वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है और वो किसी भी समय उबाल पर आ सकता है। सर, ये सवाल आगे मैं एक्सटेंड कर रही हूँ मेजर जनरल जी द्विवेदी के पास। द्विवेदी सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, जिस तरह से अमेरिका की एक्टिविटीज बढ़ी है, अब्राहम लिंकन भी रवाना हुआ है, परमाणु कैरियर ईरान के पास ऑलरेडी है, अपने गैर जरूरी राजनयिकों को तेल अवीव से निकालने की भी प्रोसेस में इस वक्त लगातार देश लगा हुआ है, क्या ये मैसेजिंग है कि कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी आहट अमेरिका समेत उन देशों को है जिन्होंने बहुत बड़ा स्टेप हानिया को लेकर उठाया? देखो प्रीति, ये जो हानिया की जो हत्या हुई है इसमें एक बहुत गंभीर बोड़ आया है पश्चिम एशिया के अंदर, और इसके बहुत गहरे अंजाम भी होंगे। सबसे पहले ये बहुत ही एक शर्मनाक वाकया है कि ईरान के अंदर हानिया की हत्या हुई है, तो ये एक उनकी सॉवरेनिटी पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है।